नमस्कार, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोएज पे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCC लिमिटेड के शेयर को लेके। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये स्टॉक को लेके देखने को मिला है। कोशिश करेंगे जो भी इन्फॉर्मेशन है छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो शेयर किया जाए आपके साथ। रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पर पूरा बने रहिए, केपी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आपको एक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट ओपन करना है एंजल बुकिंग या फिर आप स्टॉक से, तो उसका लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देख रखा है, जरूर एक बार देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को पता है कि अभी जो है हर एक कंपनी का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q2 का जो है रिजल्ट आ रहा है, उसी के चलते जो है बहुत सारे स्टॉक्स में जो है एक तेज़ी या गिरावट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी वही अगर देखेंगे तो NCC का जो है Q2 का रिजल्ट आ गया है और स्टॉक में जो है बहुत दिन के बाद एक अच्छा जो है ब्रेकआउट, बहुत दिन के बाद एक बोल सकते हैं कि अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक का प्राइस 50-55 के आसपास चल रहा था, तभी से हम लोगों ने ये स्टॉक को लेकर बहुत बार आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है और जितना ये बार अभी तक टारगेट प्राइस दिया, ऑलमोस्ट हर एक टारगेट प्राइस ये स्टॉक को लेकर कंप्लीट हुआ है। दोस्तों, हम लोगों ने एक दिन पहले इन्फोसिस के बारे में भी आपको टारगेट प्राइस दिया था और इन्फोसिस के बारे में बताया था। जब वीडियो बनाया था स्टॉक का प्राइस जो है 1740 के आसपास चल रहा था और आज का देखेंगे आप स्टॉक का जो है हाई प्राइस लगभग 1750 हिट कर चुका है स्टॉक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कह रहे हैं जो टारगेट प्राइस है स्टॉप लॉस हम लोग देते हैं कोई भी स्टॉक के बारे में, उसी टारगेट प्राइस है स्टॉप लॉस के लिए आपको स्टॉक में खरीदना या बेचना चाहिए। जब भी कोई शेयर खरीदते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए शेयर खरीदने से पहले बेचने से पहले। अभी बात आता है NCC लिमिटेड में क्या करना चाहिए, तो ज़रूर वो देखेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे जो है NCC लिमिटेड का जो आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे स्टॉक में जो है अभी क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 महीने के अंदर जो स्टॉक में गिरावट हम लोग को देखने को मिला था, 1 मंथ में भी स्टॉक में गिरावट बनता हुआ दिखा है, 5 डेज से जो है स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी हम लोग को बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा था 5 डेज पहले और अभी जो है 80 के ऊपर स्टॉक पहुंच गया है। और यहाँ पे एक दिन का देखेंगे तो बहुत ही शानदार जो है स्टॉक में तेजी देखने को मिला है। बहुत ही छोटा अमाउंट का शेयर है और आप अगर देखेंगे NCC का जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इन लोगों को बीच में मिला था जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट में जो ये कंपनी अभी काम किया है कुछ ही महीने के अंदर, उसी के चलते अगर देखेंगे तो नतीजे जो है Q2 का बहुत ही बढ़िया नतीजा ये जो है NCC का देखने को मिला है हम लोग को। एक दिन का देखेंगे स्टॉक का ओपन प्राइस, हाई प्राइस एंड लो प्राइस। स्टॉक ओपन हुआ था 79.60 पैसे में, हाई प्राइस दिया है 83.90 पैसे का, लो प्राइस दिया है 79.05 पैसे का। बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे के साथ ये स्टॉक ने जो है एक अच्छा खासा रिटर्न भी अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस जो है 100 के नीचे का स्टॉक है ये, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा स्टॉक है, तो बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स में जो हो सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है। स्टॉक का प्राइस जो है 50-55 के आसपास चल रहा था, उस समय भी जो हम लोगों ने इसका जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया था। तो ऐसा एक स्टॉक जहाँ पे आप देख सकते स्टॉक का प्राइस कम है और बहुत बढ़िया रिटर्न दिया, एक ही दिन में भी अगर देखेंगे तो बहुत ही शानदार स्टॉक का प्राइस जो है रिटर्न दिया है। दोस्तों, अभी NCC का जो Q2 का रिजल्ट आया है उसमें अगर आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते जो है अगर बात करेंगे तो NCC का जो अभी Q2 का तो 1708 करोड़ के आसपास जो है आय था वो बढ़ के हो चुका है 2582 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मतलब लगभग जो है आप बोल सकते हैं कि बहुत ही 50% के ऊपर या 50% के आसपास जो है ये स्टॉक में या फिर NCC में जो है आय देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। वही अगर देखेंगे NCC का जो मुनाफा आया है वो 70 करोड़ से बढ़ के लगभग 122 करोड़ के आसपास बन गया है, मतलब जो मुनाफा या फिर जो हम लोगों ने आय देखा है तो उसमें भी जो एक जबरदस्त लगभग जो है 50% के ऊपर जो है में एक रिटर्न देखने को मिला है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और यहां पे आप देख सकते हैं एनालिस्ट का जो है शेयर्स का जो एनालिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं 87 एनालिस्ट का मानना है कि इसमें बाई करके चलिए, होल्ड करने के लिए 30% कह रहा है, सेल करने के लिए 0% कह रहा है। तो सेल तो फिलहाल जो है अभी NCC में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक साल के अंदर भी प्राइजेस में जो है शेयर के बहुत ज़बरदस्त चेंजेस हम लोग को देखने को मिला है। तो सेल फिलहाल बिल्कुल भी नहीं करना है NCC के स्टॉक में, क्योंकि अभी जैसे रिजल्ट आया है Q2 का उसके चलते स्टॉक में और ज़बरदस्त एक तेज़ी हम लोग को शॉर्ट टर्म के लिए भी देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है जो है, हम लोग आ गए NSE के वेबसाइट पर, जो NSE का डेटा है वो एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर्स का जो एक दिन का देखने को मिल रहा है वो है 1,90,70,907, फेस बिलो 2.00 का है, 52 का हाई प्राइस दिया है 99.85 पैसे का, 52 का लो प्राइस दिया 34.90 पैसे का। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन जो डिलीवरेबल क्वांटिटी ग्रॉस अक्रॉस क्लाइंट लेवल देखने को मिल रहा है वो है
49,23,804 एंड डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी का जो परसेंटेज 30.21 के आसपास है। तो अभी तक अगर कंपनी ने देखेंगे एनसीसी की जो है हर समय या फिर हर क्वार्टर में जो रिजल्ट इन लोगों का पोस्ट किया, ज़्यादातर क्वार्टर में एक अच्छा खासा जो है हम लोग को रिजल्ट देखने को मिला है एनसीसी का, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट इन लोग के पास है और मैनेजमेंट से जो है अच्छा खासा काम किया जा रहा है एनसीसी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे शेयर में तो 80 के आसपास चल रहा है, हो सकता है कि आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी देखते हैं स्टॉक को तो यहाँ पे एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकता है। सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, अगर आप शेयर खरीदते या बेचते तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एनसीसी को लेकर क्या चल रहा है, एनसीसी शेयर में क्या चल रहा है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।